हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महेंद्रगढ़ बस हादसे में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि स्कूल संचालन को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने प्रिंसिपल को भी हिरासत में लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड इस पूरे मामले में किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज सुबह सवेरे बेहद ही दुखद खबर सामने आई, जब एक बस जिसमें 40 मासूम छोटे छोटे बच्चे सवार थे, स्कूल जा रहे थे, बस पलट गई, जिस वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई। कई ऐसे बच्चे जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, गंभीर चोट उनको लगी। जो अभिभावक थे वो किस तरीके से रो रहे थे, 7 बच्चों की मौत का ये आंकड़ा। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले में जो प्रिंसिपल है उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि कार्रवाई की गई है। स्कूल संचालक को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि 7 बच्चों की मौत, बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ईद की छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खोला गया, बच्चों को बुलाया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में आज सुबह, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका रेवाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये बस एक निजी स्कूल की है। ये भी बताया गया कि बस ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बस अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराई और इसके बाद बस पलट गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो जो बस ड्राइवर है वो नशे की हालत में था, ऐसा जो आसपास के लोग थे उस वक्त जब यह हादसा हुआ उनका भी यही कहना था। तो वहीं महेंद्रगढ़ हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया और प्रधानमंत्री ने बकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया। महेंद्रगढ़ हादसे पर दुख जताया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। ये जो हादसा हुआ है ये काफ़ी पीड़ादायक है और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप उस पोस्ट को पढ़ भी सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट एक्स पर किया गया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी महेंद्रगढ़ हादसे पर दुख जताया और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस हादसे पर कहा गया कि मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया, दुख इस हादसे पर जताया गया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस हादसे को लेकर बकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया। इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया और साथ ही ये कहा कि घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे पर दुष्यंत चौटाला ने भी दुख जताया है। स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर मृतक बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे। ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करे। ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया है। भगवान बच्चों के परिवार को पीड़ा सहने की शक्ति दे। तो एक के बाद एक रिएक्शन इस पूरे जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर सामने आए और किस तरीके से रिएक्शन आए वो भी आपको सुनाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पर एक ACS एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है छुट्टी वाले दिन को आपने सुना। इसी के साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ, रिएक्शंस इस पूरे मामले पर सामने आए, लेकिन अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक क्या क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो चुकी है, अपडेट बताएं। देखिए, पुलिस ने चूंकि सारा मंत्रालय, चूंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का ट्वीट आ गया था, तो पूरा जो सरकारी अमला था एकदम एक्टिव हो गया और सरकारी अमले में जो जो इसमें दोषी करा थे उन सबको फौरी तौर पर उनके खिलाफ के मुकदमे दर्ज कर लिए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फौरी तौर पर अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसको निलंबित कर दिया गया, स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। स्कूल की चूंकि बस थी उसका फिटनेस नहीं था, अब तो हमारे तीन था, 2017 के बाद उसका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, इस करके जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी थे उन्होंने भी अपने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी उसको निलंबित कर
तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और भी इस हादसे के जो जो भी व्यक्ति दोषी है उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने सीमा त्रिखा ने क्लियर शब्दों में कहा है कि आज गजकिड होलीडे के दिन पूरे हरियाणा में जो जो स्कूल खुले हुए थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो जो स्कूल आज खुले हुए थे सबके खिलाफ सबकी जो अभी जांच की जा रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल में अभी घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज सरकार की तरफ से करवाया जाएगा, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो इस बात को लेकर। जो ये बच्चे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं क्या ये खतरे से बाहर हैं सभी? देखिए दो बच्चे अभी खतरे से बाहर नहीं है, एक को ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम है और एक को कुछ और प्रॉब्लम है। दो बच्चे अभी सीरियस हैं और बाकी बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं। और हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट वहां जाकर बच्चों का मुआयना कर रही है, बच्चों की देखभाल में लगी हुई है। थानेश्वर, हम भी यही दुआ करते हैं कि जो दो बच्चे जो बहुत ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं जल्द स्वस्थ ये हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में कार्यवाही की गई है, एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है और देखिए किस तरीके से जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है। 7 बच्चों की मौत इस पूरे हादसे में हो गई है, लेकिन वहीं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए। और ये कहा जा रहा था कि जो ड्राइवर था जो बस चला रहा था वो नशे की हालत में था। जाहिर सी बात है तमाम सवाल खड़े होंगे, सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि जब आज सरकारी छुट्टी थी तो फिर कैसे स्कूल चल रहे थे। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो स्कूल आज खुले हुए थे अब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।